आज मैं वेजिटेरियन कबाब बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने राजमा को रात भर सोक कर लिया था और 2 घंटा पहले मैंने इसे बॉयल किया है। तो राजमा अकेले ही नहीं बन रहा है, बल्कि इसके साथ मैंने चने की दाल भी भिगोया था, जो कि आप देख सकते हैं। चने की दाल 1 कप राजमा, सूखे राजमे के साथ मैंने 1 टेबल स्पून चने की दाल भिगोया था। अब ये बॉयल किया जा चुका है, 2 घंटा पहले मैंने इसे बॉयल किया था और अब ये ठंडा हो चुका है, तो अब ये ड्राई भी हो चुका है। अब इसका एक भरता या पेस्ट हमें बनाना है, आप देख सकते हैं। ये इसी तरह का उबालने के बाद होना चाहिए, इसमें ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए और बनाने से पहले इसे पूरी तरह से ठंडा हो जाना चाहिए। अब इसे मैंने रुक रुक कर मिक्सी में पीस लिया है, तो ये बिल्कुल दरदरा सा पीस गया है। तो अब हम इसमें कुछ जायके के लिए चीज़ें मिलाने वाले हैं। तो 1 प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब सीजन की हरी प्याज थोड़ी सी इसमें मिला लेते हैं, ये भी 3 टेबल स्पून के करीब है। 1 टेबल स्पून भरकर गाजर है कसा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब बाइंडिंग के लिए इसमें हम 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्ब डालेंगे। दाल में ग्लूटेन नहीं होता है, इसलिए ये ब्रेड क्रम्ब डाल लेने से इसमें बेहतर रिजल्ट मिलेगा और आपका कबाब टूटेगा नहीं। आप चाहें तो यहाँ पर 1 अंडे की सफ़ेदी भी डाल सकते हैं। 2 हरी मिर्च है, उसे भी डाल लें। ढेर सारी चॉप धनिया की पत्ती का डाल लें। अब कुछ पाउडर मसाला इसमें जायके के लिए मिलाना है और स्वाद अनुसार नमक मिलाना है। तो यहाँ पर मैंने पाउडर मसाला अपने पसंद के हिसाब से लिया है, जो कि सभी 1/4 टीस्पून है। आप इस मसाले में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये धनिया है, मिर्च, गरम मसाला और ये है अमचूर पाउडर, इसमें 1/4 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर भी मिलाएंगे और 1/4 टीस्पून काली मिर्च भी मिलाने वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से इन मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इन मसालों को हम इसमें मिला लेंगे। अब अच्छी तरह से इसे मिला लेना है। हाथ अगर साफ हो और मिर्च हाथ को लगती ना हो तो हाथों से बनाना इसे सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही मज़ा आता है और इसका शेप बच्चे भी बड़ी आसानी से बनाएंगे खुशी खुशी। तो इसे हम मिला लेते हैं और इसका शेप हम शामी कबाब की तरह बना लेंगे। साथ ही एक तरफ आप कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख छोड़ें। तो इससे इतने शामी कबाब तैयार हुए हैं। इसे आप अपने पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं और जाड़े में ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस वक्त नई सब्ज़ी और हरे पत्तेदार चीज़ें मार्केट में ताज़ी ताज़ी अवेलेबल होती हैं, साथ ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन चीज़ों को हज़म करने के लिए रेडी रहता है। तो इसे बनाएं, इसे शेप दे लें और गर्म पैन में इसे शैलो फ्राई करें। अगर आपको इसे डीप फ्राई करना है तो अंडे की सफ़ेदी मिलाएं, वरना टूटने का रिस्क रहता है। तो देखिए तेल गर्म हो चुका है, बिल्कुल धीमी आंच पर इसे सेकना है। इसी तरह से धीमे धीमे
इसे दूसरी तरफ से भी सेक लेना है। और अगर आपको कहीं पर लगे कि तेल कम हो रहा है तो ऊपर से इसमें तेल भी मिला सकते हैं। दूसरी तरफ से भी ये बहुत अच्छी तरह से सिक गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसे बनाएं आप, उम्मीद है ये रेसिपी आपको मायूस नहीं करेगी। आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रात में या दिन में लंच के साथ भी, दाल चावल के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। बच्चों को तो ये लंच बॉक्स में भी दिया जा सकता है। तो इसे बनाएं, उम्मीद है आज की रेसिपी को आपने इंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।